ज्वाइनिंग प्रोग्राम है जिसमें आज काफी सारे युवा यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आज इनकी सबकी ज्वाइन शर्मा जी पार्टी की तरफ और श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से और जिला कठुआ कोर कमेटी की तरफ से आज इनको वार्ड नंबर जो 13 से कठुआ से आज इनको हम अपना कठुआ की असेंबली का वाइस जूस का वाइस प्रेसिडेंट आज अनाउंस करते हैं, जिन्होंने कठुआ और श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनको आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला कठुआ कोर कमेटी आम आदमी पार्टी का दामन थामा मैं इनको आम आदमी तरफ से अरविंद केजरी का दामन थामा मैं इनको आम आदमी पार्टी की तरफ से और जिला पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निखिल राजपूत जी जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा और श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में यहाँ पे काफी सारे युवा और मोदवार व्यक्तियों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा जाता है कि ये मुफ्तखोरी सब कुछ फ्री करते जा रहे हैं, इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो लोगों को ये जो सोसाइटी में गलत विचारधाराएं फैली हुई हैं, मैं ज़रा सी अपने जो व्यूज़ हैं उससे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं जो पंजाब का इस समय पंजाब इलेक्शंस हैं, तो पंजाब का जो साल का बजट है वो 1,70,000 करोड़ रुपये का बजट है। तो अगर हम देखेंगे इसमें अगर माइनिंग माफिया और जो टेंडर का पास जो होते हैं उसमें करप्शन जो होती है 20-25% उसमें करप्शन है। तो अगर 20-25% करप्शन है, हम 20% लगा के चलते हैं, अगर ये 20% लगाएं तो वो 1,70,000 करोड़ का होगा 35,000 करोड़। तो उससे अगर हम 35,000 करोड़ भी ना बचा पाएंगे तो लगभग 20,000 करोड़ तो बचेगा। जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है अगर उनकी सरकार आती है तो 13,000 करोड़ चाहिए महिला की, ये जो महिलाओं के लिए हज़ार रुपये महीना लगाए गए हैं और 3 करोड़ रुपये चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने की पंजाब में साल की। तो मैं सबको ये एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यही जो पीछे से राजीव गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि अगर पीछे से 100 रुपया चलता है तो जनता तक सिर्फ 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये पीछे से गायब हो जाते हैं। तो हमारे केजरीवाल साहब जी यही कर रहे हैं, जो 85 रुपये पीछे बाकी पॉलिटिशियन खा जाते थे वही 85 रुपये आज वहाँ पहुँच रहे हैं। कि कठुआ में काफ़ी सारी युवा ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा मीडिया के माध्यम से यही मैसेज रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस पार्टी में आए क्योंकि रेवोल्यूशन हमें लानी है। करके देखिए उसमें जो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसका जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। यूथ को यही मैसेज है, बढ़ चढ़ कर आगे आइए और सेवा। मैं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष हीरा लाल वर्मा, आज का जो कार्यक्रम हमारे यूथ प्रेजिडेंट आकाशदीप जी जिनके नेतृत्व में जो प्रोग्राम हुआ और जहाँ बढ़ चढ़ के युवाओं ने और महिला शक्ति ने काफ़ी आज पार्टी का जो ज्वाइन किया। और दूसरा एक चीज़ मैं आपके माध्यम से जे कह देना चाहता हूँ कि आज एक बड़ी दुखद घटना भी है कि हमारे जो भारतीय महिला संगीतकार जो आज हमारे बीच नहीं है वो एक हमें बहुत दुखित है कि जो लता मंगेशकर जी का आज का निधन हो गया, उसके लिए हम बड़ा शोक करते हैं। पर एक चीज़ और कि आम आदमी पार्टी जैसे कि आज 5 स्टेटों में इलेक्शन चल रहा है और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 से लेकर आज 2022 हुआ तकरीबन 7-8 साल में पार्टी ने अच्छा ग्रो किया है। तो तकरीबन अच्छा ही काम किया है पार्टी ने। हमारे दिल्ली के अंदर आप देखिए दिल्ली मॉडल को आज एक दिल्ली मॉडल ही नहीं कहा जाता, हमारे भारत के अंदर इनकी वर्ल्ड मॉडल कहा
जाता है। जो मुश्किलात जम्मू के लोगों ने देखी है, जैसे अभी आपने देखा स्ट्रीट फूड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे लोगों की ज़मीनें वो भी हड़प करके जा रहे हैं, मतलब कि प्रशासन ने पूरी तानाशाही बना के रखी है। और मीडिया का थोड़ा सा संजोग होता है, अच्छी मीडिया हमारे जो कठुआ के अंदर जो मीडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं तकरीबन वो पार्टी का अच्छा साथ दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो उनका संजोग से हमारी आम आदमी पार्टी का अच्छा कार्य काम हो रहा है। और युवाओं को आगे मेरी अपील है कि युवा देखो नशे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यूथ प्रेसिडेंट आकाशदीप ने कहा कि युवा यूथ जो हमारा युवा आज नशे में व्यस्त हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार को युवा के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। तकरीबन 2.5 साल से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हर काम में माल में देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, लोगों का भीड़ भड़का, लोगों की भीड़ जमावड़े खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल में कोरोना है, स्कूल के दरवाजों के ऊपर भी कोरोना है। कि जिस दिन आम आदमी पार्टी आएगी उस दिन ही इन लोगों का जो समस्याएं हल होंगी।